श्रेयस अय्यर को हटाओ, टीम से निकाल दो और अजिंक्य रहाणे को तत्काल प्रभाव से वापस लाओ। ये डिमांड है, ये मांग है भारतीय फैंस की। जी हाँ, भारतीय फैंस इस वक्त भड़के हुए हैं और वो भड़के हैं मिस्टर डिपेंडेबल श्रेयस अय्यर पर। दरअसल टेस्ट में श्रेयस अय्यर एक बार फिर भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर की कमजोर कड़ी बनकर साबित हुए हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में भी श्रेयस अय्यर का हाल बेहाल है। साउथ अफ्रीका की तेज और बाउंसी पिचों पर श्रेयस अय्यर के टैलेंट की धज्जियां उड़ रही हैं। केप टाउन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में श्रेयस अय्यर शून्य के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। टेस्ट क्रिकेट में अपनी खराब बल्लेबाजी के कारण अब श्रेयस अय्यर आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं। सोशल मीडिया पर फैंस ने श्रेयस अय्यर को टेस्ट टीम से बाहर निकालने तक की मांग उठा दी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि विदेशी धरती पर टेस्ट क्रिकेट में बेहतर रिकॉर्ड होने के बावजूद अजिंक्य रहाणे साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है। टीम मैनेजमेंट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में श्रेयस अय्यर पर भरोसा दिखाया है। आपको बता दें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में श्रेयस अय्यर ने 31, 6 और 0 रन के स्कोर बनाए हैं। वहीं आखिरी 8 पारियों में श्रेयस अय्यर 30 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं। श्रेयस अय्यर ने अपनी आखिरी 8 पारियों में 29 नाबाद, 4, 12, 0, 26, 31, 6 और 0 रन का स्कोर बनाया है। और अब श्रेयस अय्यर के इसी फ्लॉप शो की वजह से फैंस ने अजिंक्य रहाणे को मौका देने की मांग उठाई है। तो आइए अब ऐसे में आपको बताते हैं फैंस की प्रतिक्रियाएं। तो एक यूजर लिखते हैं, अजिंक्य रहाणे इज 100 टाइम्स बेटर देन श्रेयस अय्यर इन सेना कंट्रीज, यानी कि अजिंक्य रहाणे 100 गुना ज्यादा बेहतर हैं श्रेयस अय्यर से सेना कंट्रीज में। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, मिसिंग अजिंक्य रहाणे द फॉरगॉटन वॉल। तीसरे यूजर लिखते हैं, वी आर मिसिंग यू इन टेस्ट क्रिकेट अजिंक्य रहाणे, यानी कि अजिंक्य रहाणे हम आपको टेस्ट क्रिकेट में बहुत मिस कर रहे हैं। वैसे आपकी क्या राय है, क्या आपको भी लगता है कि श्रेयस अय्यर की जगह अजिंक्य रहाणे को टीम में वापस लाना चाहिए? हालांकि उन्होंने वर्ल्ड कप में जो किया वो भी भुलाया नहीं जा सकता है। खैर, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहें क्रिक इन्फॉर्मर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।